और यहाँ पर हमारी बहन गीता भूकल जी, जो कि मैनिफेस्टो की चेयरपर्सन है, वो यहाँ पर पहुंची हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर हमारे बीच में हमारे भाई प्रदीप चौधरी जी, जो कि कालका से विधायक हैं, उनका भी यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में हमारी नारायणगढ़ की विधायक शैली चौधरी जी यहाँ पर पहुंची हैं, उनका भी यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे बीच में मनवीर कौर गिल जी हैं, सुनीता शर्मा जी हैं प्रेसिडेंट सेवा दल, पूनम चौहान जी हैं प्रेसिडेंट सेवा दल, सुनीता सहरावत जी हैं ऑल इंडिया से हमारी बहनें जो आई हुई हैं, सुनीता सहरावत जी, कृष्णा ठाकुर जी, सारिका सिंह जी और शिवानी मिश्रा जी। फिर है हमारे भाई झा जी, गुरमेल कौर जी, उषा रानी जी, गौतम प्रसाद जी, हमारी बहन संतोष शर्मा जी, कक्कड़ जी, सुल्तान जी, बलविंदर चौधरी पार्षद जी, अक्षयदीप जी, संदीप सोही पार्षद जी, पार्षद दलबीर सिंह जी वाल्मीकि, पवन जैन जी, राकेश सोंदी जी, सीमा शर्मा जी, पंकज जी, विनीता कुमारी जी, ये सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित मेरी बहनें, हमारी जो कि महिला कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हैं, चाहे वो स्टेट की प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट हैं, सारी डिस्ट्रिक्ट से हमारी प्रेसिडेंट जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, और जो कि इतनी मेहनत करती हैं, हर दम वो सड़कों पर रहती हैं, हर दम फील्ड में रहती हैं, उसी का नतीजा है सर कि यहाँ पर इतनी तादाद में हमारी जीत हुई है और इतनी अच्छी जीत हुई है हरियाणा में। तो उसके लिए मैं आपको सबको बधाई देती हूँ। और हमारी जो स्टेट बॉडी है वो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स पहुँचे हुए हैं। और सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे को तो हमेशा सुनते हो, मेरी बातें सुनते हो, आज बावरिया जी आपके पास आए हैं, आपको संगठन के बारे में बताएंगे किस तरह से कार्य करना है। हमारी विधानसभा का चुनाव है और इस बार माहौल भी हरियाणा का बहुत अच्छा है, मुद्दे आपको यहाँ पर पता है जो कि जन विरोधी मुद्दे इस सरकार के हैं, वो आपने जनता में फैलाने हैं, जनता को बताना है, उनको समझाना है। और जो कांग्रेस के संकल्प हैं और कांग्रेस जो कि जनता के लिए, आम जनता के लिए सोचती है, जिस तरह से कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और उसमें आपने देखा कि उन्होंने महिलाओं के बारे में क्या सोचा, महालक्ष्मी योजना, आधी आबादी पूरा हक, अधिकार मैत्री, तो आप सोच सकते हो कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए क्या सोचती है और क्या लेके आना चाहती है। लेकिन अब समय बदलाव का है, हरियाणा में सरकार बनने जा रही है और आपको पता है कि सभी लोग अब परिवर्तन चाहते हैं और इसमें आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। आप लोगों ने कमर कस लेनी है, आप अभी तक लोकसभा के चुनाव से थकावट उतरी नहीं है, लेकिन हमें आराम करना है अक्टूबर के बाद, जब अपनी सरकार बन जाएगी और लड्डू बटेगा, भोरा भोरा सबको मिलेगा। और मैं बावरिया जी को कहना चाहती हूँ, सर हमारे बीच में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो हर समय फील्ड में रहती हैं और बहुत सक्षम हैं और चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो इस बार मैं चाहूंगी कि 33% जो हमारा कानून लागू नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस की पार्टी जो है उसको लागू करे और 33% मेरी बहनों को टिकट मिले। और ये टिकट जो है ऐसे नहीं कि महिलाओं की पूर्ति करनी है और 33% टिकट देनी है, इन्होंने जिन्होंने कि महिला कांग्रेस में काम किया है, कम से कम 3 साल तक जिन्होंने काम किया है, उनकी भागीदारी बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी होनी चाहिए उनकी भागीदारी। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी और इनकी तरफ से यही बात करूंगी कि भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट मिले और यहाँ पर हमारी जो सरकार बने उनमें महिलाओं की 33% की सरकार में भी भागीदारी हो। और इसी के साथ ही मैं आप
आप सबका यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद जय भारत। मैं ज़्यादा नहीं बोल रही क्योंकि आज बावरिया जी ने बोलना है, उन्होंने समझाना है आपको, इसलिए आप उनका सुनिए। थैंक यू सो मच।